हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन आपको पता है, इफ़ देयर इज़ अ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग अ कोलिजन। अब दो बॉडीज की जब कोलिजन होती है और काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है तो वहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होता है। इसमें इलास्टिक बॉडीज़ ही होंगी, इलास्टिक बॉडीज़ ही आपस में कोलाइड करेंगी। तो हम सपोज़ करते हैं बिफोर कोलिजन क्या कंडीशन है हमारे पास। हमारे पास दो मासेज हैं, मास ए एंड मास बी। ए और बी बॉडी है जिसके मासेज, इसका एम वन मास है, इसका मास एम टू है। यू वन वेलोसिटी से चल रही है, ये यू टू वेलोसिटी से चल रही है। ये कंडीशन है आफ्टर, सॉरी बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले की, बिफोर कोलिजन। दूसरी कंडीशन, ये आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद क्या हो जा रही है, जो ए बॉडी है वो वी वन वेलोसिटी से के साथ चल रही है जिसका मास एम वन है, और बी बॉडी जो है जिसका मास एम टू है ये वी टू वेलोसिटी के साथ चल रही है। ये कंडीशन हमारी है आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद की, आफ्टर कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में है क्या, जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करेंगी तो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होगा, देर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगी, कंजर्व होगी, और मोमेंटम भी कंजर्व होगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप पढ़ें कि कोलिजन के पहले का मोमेंटम इक्वल टू कोलिजन के बाद का मोमेंटम ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व होगी और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। जो टोटल एनर्जी अगर कंजर्व है तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम निकालने क्या वाले हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि कोलिजन के बाद जो बॉडीज ए और बी हैं इनकी वेलोसिटी वी वन और वी टू के लिए क्या एक्सप्रेशन निकल के आएगा, और उसके बाद हम इनकी स्पेसिफिक कंडीशन देखेंगे, स्पेशल कंडीशन देखेंगे कि मास एम वन है, एम टू है, एम ग्रेटर है, एम टू ग्रेटर है, एक रेस्ट है, एक मूविंग बॉडीज है, तो उन सभी में क्या कंक्लूजन हमारा निकल के आएगा उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालेंगे वी वन और वी टू के लिए। तो यहाँ पे लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब है कि बिफोर कोलिजन का लीनियर मोमेंटम का सम इक्वल टू आफ्टर कोलिजन के लीनियर मोमेंटम का सम। तो बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या है, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। मोमेंटम आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी होती है, तो ए बॉडी का जो मोमेंटम है वो एम वन यू वन है और बी बॉडी का जो मोमेंटम है वो एम टू यू टू है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम वन यू वन प्लस का एम टू यू टू इक्वल टू एम वन वी वन प्लस का एम टू वी टू। यहाँ पे क्या करेंगे, वन वन वाले को एक साथ लियो और टू टू वालों को एक साथ कर लो, जैसे एम वन यू वन और एम वन वी वन को हम एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, अच्छा इसको हम इक्वेशन वन मान ले रहे हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं एम वन यू वन प्लस का, सॉरी माइनस का एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू माइनस का एम टू यू टू। ये हमारे पास कंडीशन बन गई है। यहाँ पे थोड़ा और इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर हम यहाँ से M1 कॉमन ले लें देन ये हमारा हो जाएगा U1 माइनस का V1, यहाँ पे हम M2 कॉमन ले लें देन ये हो जाएगा V2 माइनस का U2। इसको इक्वेशन दो मान लिया जाए। तो यहाँ पे हमने बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल के आया। अब आपको पता है कि इलास्टिक कोलिजन में हमारी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, तो हम इसको भी यहाँ पे देखते हैं बाय द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सिंस यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व। देन काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व है तो कोलिजन से पहले के काइनेटिक एनर्जी का सम इक्वल टू कोलिजन के बाद का काइनेटिक एनर्जी का सम इक्वल होगा। तो ए बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू
यू टू स्क्वायर इक्वल टू हाफ हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हाफ हाफ कॉमन है, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। फिर वही लिखेंगे एम वन यू वन स्क्वायर और वन वन को एक साथ ले आएंगे, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर, यानी एम वन यू वन स्क्वायर माइनस ऑफ एम वन वी वन स्क्वायर इक्वल टू एम टू वी टू स्क्वायर माइनस का ये हाफ पूरा कैंसिल हो चुका है, ये हो जाएगा एम टू यू टू स्क्वायर। यहाँ पे फिर से हम क्या कर लेंगे, अगर एम वन को कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमें पास बचेगा यू वन स्क्वायर माइनस का वी वन स्क्वायर, यहाँ पे एम टू अगर कॉमन ले लें तो वी टू स्क्वायर माइनस ऑफ यू टू स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बचेगी। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, देन ये हो जाएगा एम वन यू वन प्लस का वी वन यू वन माइनस का वी वन, सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देन ये हो जाएगा हमारा वी टू प्लस का यू टू देन वी टू माइनस का यू टू, इसको इक्वेशन थ्री मानते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे डिवाइडिंग इक्वेशन थ्री को इक्वेशन टू से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन थ्री बाय टू, डिवाइडिंग इक्वेशन थ्री बाय टू, थ्री से टू को डिवाइड करेंगे तो देखो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है। इक्वेशन थ्री हमारे पास ये है, इक्वेशन टू ये है, तो थ्री में से हम टू को डिवाइड करेंगे तो देखिए एम वन और वी वन माइनस यू वन माइनस वी वन, यानी ये टर्म यू वन माइनस वी वन और एम वन कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा वी वन प्लस का यू वन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाइनली रिजल्ट जो हमारे पास आने वाला है वो आएगा यू वन प्लस का वी वन। सेम यहाँ पर देखें, यहाँ एम टू है और v2 टू माइनस यू टू है, यहाँ पे भी m2 है v2 टू माइनस यू टू है, तो ये अपॉन का करेंगे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा v2 टू प्लस यू टू। तो सेकेंड हमारी इक्वेशन निकल के आएगी वो होगी v2 टू प्लस का यू टू, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं u1 वन माइनस का u2 टू इक्वल टू v2 टू माइनस का v1, u1 वन माइनस यू टू इक्वल टू v2 टू माइनस वी वन। यू वन माइनस यू टू है क्या, ए रिलेटिव वेलोसिटी है, ए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, ये भाई यू वन वेलोसिटी किसकी थी, ए बॉडी की वेलोसिटी थी, तो ये यू वन माइनस यू टू क्या निकल के आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन है, तो ये हम लिख सकते हैं ये क्या है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बिफोर कोलिजन, और वी टू माइनस वी वन क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव क्योंकि v2 है ना, v2 में v1 माइनस हो रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचेस, क्योंकि ये अप्रोच कर रही है u1 इज़ ग्रेटर देन u2, यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं u1 इज़ ग्रेटर देन u2, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोचेस मतलब ये इसको अप्रोच कर रही है, ये बॉडी इसको अप्रोच कर रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है बी बॉडी ए से सेपरेट हो रही है, कोलिजन के बाद ये बॉडी इससे सेपरेट हो रही है मतलब आगे निकल रही है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये आपका डेरिवेशन यहीं तक भी आता है एग्ज़ाम में, यहाँ पे आपको प्रूव करना होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसको हम लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यहाँ पे बॉडी क्या हो रही है सेपरेट हो रही है, वी टू माइनस वी वन है सेपरेशन। तो लास्ट हमारे पास इक्वेशन ये आई है, इसको हम फोर इक्वेशन मान लेते हैं, और नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करेंगे वी वन वी टू की वैल्यू, और हम कोलिजन के बाद वी वन और वी टू की वैल्यू को निकालेंगे। तो बच्चों हमारे पास फोर्थ इक्वेशन थी यू वन माइनस वी टू इक्वल टू वी टू माइनस वी वन,
यहाँ से हम वी टू को कैलकुलेट कर सकते हैं, वी टू इक्वल टू यू वन माइनस यू टू प्लस का वी वन, और इस वी टू की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन वन में। तो इक्वेशन वन हमारे पास थी एम वन यू वन प्लस का एम टू यू टू, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आई थी, इक्वल टू एम वन वी वन प्लस का एम टू वी टू। तो वी टू की वैल्यू यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे, v2 की वैल्यू हमारी है u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 प्लस का v1। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, m1 v1 प्लस का m2 u1 माइनस का m2 u2 प्लस का m2 v1, और इधर हमारा इक्वेशन है एम वन यू वन प्लस का एम टू यू टू। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, वी वन वी टू हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो यू वन को हम एक साथ ले आएँ, यू वन यहाँ पे है, यहाँ पे यू वन है, तो इसको हम ले सकते हैं एम वन यू वन माइनस ऑफ एम टू यू वन, और यहाँ पे प्लस का एम टू यू टू ये वैल्यू है, इस एम टू यू टू को इधर ले आओ तो इधर भी एम टू यू टू पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर हमारी इक्वेशन बनी है एम वन वी वन प्लस का एम टू वी वन। तो यहाँ से देखिए हमारी इक्वेशन, अगर हम यहाँ पे यू वन कॉमन ले लें देन एम वन माइनस एम टू, ये प्लस का टू एम टू यू टू, यहाँ से अगर हम वी वन कॉमन ले लें देन ये हो जाएगा एम वन प्लस एम टू। तो वी वन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारी वी वन की वैल्यू आ गई यू वन यू वन एम वन माइनस एम टू अपॉन का एम वन प्लस एम टू प्लस का टू एम टू यू टू अपॉन का एम वन प्लस एम टू। ये हमारी वी वन की वैल्यू आई, वी वन की वैल्यू आई है यू वन एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, टू एम टू यू टू अपॉन का एम वन प्लस एम टू, ये वी वन की वैल्यू आई है। यानी कि ये कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है, कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, ये है कोलिजन क्या हुआ था, ये ए बॉडी थी और ये बी बॉडी था, तो इसकी वेलोसिटी वी वन थी, इसकी वेलोसिटी वी टू थी। तो अब वी टू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली वी टू हमसे कैसे मिल जाएगा उसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वी टू हम कैलकुलेट कर लेंगे। वी टू को वी वन की जगह वी टू सब्सटीट्यूट कर देंगे, यू वन की जगह वी वन, एम वन की जगह एम टू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो वी टू की वैल्यू बन जाएगी। देखो वी टू की क्या होगी, यहाँ यू वन है तो ये यू टू हो गया, ये एम टू माइनस का एम वन हो गया अपॉन का एम वन प्लस एम टू प्लस का टू एम वन यू वन अपॉन का एम वन प्लस एम टू, ये हमारी वी टू की वैल्यू हो गई। तो आफ्टर कोलिजन वी वन और वी टू जो वेलोसिटीज़ होंगी ये दोनों होंगी। तो यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, कब, व्हेन टू बॉडीज़ ऑफ इक्वल मासेस, अगर हमारे हमने जो बॉडीज़ ए और बी ली हैं वो इक्वल मासेस की हो जाएं, यानी m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m हो जाए, अगर दोनों मासेस सेम हो जाए तो हमें हम इक्वेशन v1 की वैल्यू क्या मिलेगी, v1 में हम पुट कर दें m1 m2 इक्वल टू m पुट कर देंगे तो v1 इक्वल टू हमको मिल जाएगा, v1 इक्वल टू मिल जाएगा u2, v1 इक्वल टू u2 मिल जाएगा। कैसे, यहाँ m1 इक्वल टू m2 ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पे m1 m2 जगह m हो जाएगा और ये 2m हो जाएगा, तो कैंसिल होके u2 मिल जाएगा, यानी v1 इक्वल टू u2। ऐसे ही v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v2 की वैल्यू u1 हो जाएगी। यानी अगर मासेस क्या हैं, दोनों बॉडीज़ के मासेस अगर सेम हैं तो कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा, कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू u2 और v2 इक्वल टू u1। तो आपको पता है दो बॉडीज़ थी हमारे पास, एक a थी एक b थी और एक ए और ए बी, ये ए ए बी, ये ए और ए बी,
इसका वेलोसिटी u1 था, इसकी वेलोसिटी u2 थी, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। ये बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। तो v1 इक्वल टू क्या हो गया, v1 इक्वल टू v1 इक्वल टू u2 और v2 इक्वल टू u1। यानी कोलिजन के बाद क्या हो रही है, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो रही है। यानी a वाली बॉडी की वेलोसिटी अब किसकी बन चुकी है, a u1 इक्वल टू क्या आ चुका है भाई, v1 इक्वल टू u2 आ चुकी है। और u2 वेलोसिटी किसकी थी, b बॉडी की थी, वो a बॉडी की वेलोसिटी बन चुकी है। और जो a बॉडी की वेलोसिटी थी u1 इक्वल टू v2 हो चुका है, वो b बॉडी की वेलोसिटी बन चुकी है। यानी अगर मासेस सेम है तो दोनों की वेलोसिटीज़ क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी आफ्टर कोलिजन। अगर हम ऐसा सपोज कर दें केस दो कि अगर एक बॉडी क्या है, when two bodies collide against a stationary body of equal masses, ठीक है। अगर दोनों बॉडी के मासेस तो सेम है लेकिन एक बॉडी क्या है, स्टेशनरी है, एक बॉडी स्टेशनरी है और दूसरी बॉडी उस पर आके कोलाइड कर रही है, मतलब एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, तो ये क्या है, यहाँ पे U2 की वैल्यू ज़ीरो है क्योंकि स्टेशनरी है। और तो दूसरी क्वेश्चन में हम देखेंगे कि एक बॉडी स्टेशनरी है, U2 स्टेशनरी है और ए बॉडी E1 वेलोसिटी से आ रही है, मासेस दोनों के सेम हैं, तो कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा कि ए बॉडी स्टेशनरी हो जाएगी और बी बॉडी E1 की वेलोसिटी से मूव करने लगेगी।